हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में, और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड अवर लाइफस्टाइल इन स्विट्जरलैंड। और आज के वीडियो में हम घूमने आए हैं इंटरलेकन और लॉटरब्रुनन का विलेज। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी मैं खड़ा हूँ इस वक्त ब्रीज इस लोकेशन पे। तो सुबह हमने ज्यूरिख HB से शुरू किया था सुबह 7:30 बजे, और अभी बज रहे हैं लगभग 10, तो 2.5 घंटे के अराउंड लग गए हमें यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ से आज के वीडियो में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसी सीनिक ट्रेन से हम आए हैं इस ब्रिज लोकेशन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या सराउंडिंग है इसका। तो हमारा जो ये प्लान है, ये पूरा वन डे का ट्रिप है, और आप भी इसी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी देख के और सर्च करके ये पूरा प्लान बनाया है, इस दिन की इटिनरी बनाई है। और इसमें हम पूरे नेचुरल लोकेशंस जो भी है अराउंड इंटरलेकन और लॉटरब्रुनन, तो वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे, और क्या क्या है मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। और ये ट्रेन देखिए, इसके विंडोज़ वगैरह कितने बड़े हैं, बहुत ही मज़ा आया इसमें ट्रैवल करके। तो गाइज, इस लोकेशन पे हम कैसे पहुँचे इसके बारे में अगर बताऊँ, तो पहले तो हमने आज के दिन के लिए एक स्विस पास निकाला है वन डे का, तो इसमें आज का पूरा दिन का जितना भी ट्रैवल है वो सब इसमें इंक्लूडेड रहने वाला है। और पहले हम ज्यूरिख HB से आए थे, बर्न से आए हम इंटरलेकन ओस्ट, और इंटरलेकन ओस्ट से हम आए हैं ब्रीज इस लोकेशन पे। और यहाँ पे हम अभी 50 मिनट्स अराउंड स्पेंड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लेक है, ये ब्रीज लेक है, और इसमें अभी क्रूज़ आने वाली है, तो हम क्रूज़ में से इस लेक में से ट्रैवल करेंगे, और उसमें से बहुत ही अच्छी सीनिक व्यूज़ आते हैं। तो उस क्रूज़ से हम वापस इंटरलेकन ओस जाएंगे और फिर इंटरलेकन एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ हमें दिख गया इसका यहाँ का सिनेमा हाउस, किनो थिएटर ब्रीज का। और ये कौन है यार, बैटमैन लग रहा है। नहीं, यहाँ के घर क्या मेंटेन करे यार, बहुत ही सुंदर, मतलब फ्लावर्स की तो भरमार है, रोजेज वगैरह अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस, हमारी अभी क्रूज आ चुकी है, और ये वो क्रूज है, पूरी शायद आ नहीं रही होगी। हाँ, तो ये इसका टाइमिंग है अभी 10:40 का, और अभी 10:20 हो रहे हैं, तो अभी हम थैंक यू। सो अब हम इस क्रूज से इंटरलेकन ओस जाएंगे। अंदर रेस्टोरेंट भी है, एंड थमते हुए है, ऊपर में फर्स्ट क्लास है, तो नीचे में यहाँ से चलते हैं आगे। और ये क्रूज अपने पास में इंक्लूडेड है, और हम बैठे हैं पीछे की साइड में, तो आई थिंक जो क्रूज का पीछे का पार्ट है वहाँ पे ही ऐसा स्विस का फ्लैग लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट भी है। तो ये इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बनी हुई है, और सामने है वहाँ पे रेस्टोरेंट, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी होता है। तो गाइस, हमारी क्रूज शुरू हो चुकी है। सो गाइज, मैं आपको तो ये क्रूज डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, आप ये जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये माउंटेन्स में से होके हुए गुजर रही है, और बहुत ही प्यारे प्यारे विलेजेस से भी ये होते हुए जा रही है, तो बहुत ही शानदार व्यूज आ रहे हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ पे सिम्बा मूवी के एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, इसल्टवाल।
कहूँगा ये लेक की पे जो क्रूज जिससे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो मतलब जन्नत की सैर करा रही है भाई। बहुत ही शानदार व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, और अभी इस ब्रिज के नीचे से भी जाने वाली है। और पानी का कलर देखिए आप, एकदम ब्लूइश टर्कोइज कलर है बिल्कुल। और मेरे मॉम डैड तो बिल्कुल मतलब एकदम देख के हक्के बक्के रह गए इतने सुंदर दिख रहे यहाँ से व्यूज। सो गाइज, अभी हम क्रूज से बाहर आ चुके हैं इंटरलेकन ओस्ट पे। तो अब बज रहे हैं लगभग 12 बज रहे हैं, तो डेढ़ घंटे की ये ऑलमोस्ट क्रूज थी, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रूज थी। आई थिंक ये मस्ट डू है, पूरी जन्नत की सैर कराई है इसने, मैं तो बोलूँगा। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम इंटरलेकन ओस्ट पे हैं और अब जा रहे हैं यशराज का यहाँ पे, जो यश चोपड़ा का यहाँ पे स्टैचू है जो स्विट्ज़रलैंड के गवर्नमेंट ने उनके ऑनर में बनाया था। तो अब हम वो स्टैचू देखने जा रहे हैं। तो वो इंटरलेकन ओस्ट के स्टेशन से बहुत पास है, बस 5 मिनट का ही रास्ता है बस से। तो अब हम वहीं पे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइज, इंटरलेकन ओस्ट स्टेशन के सामने ही उसका बस स्टॉप भी है, और यहाँ से अब हम पकड़ने वाले हैं ये 21 नंबर की बस जिसकी डायरेक्शन है थून बैनहॉफ, और अगले ही स्टॉप पे जोंगफ्राउ स्ट्रासे, वहाँ पे वो स्टैचू है। हमारी बस भी आ ही चुकी है और हम वहीं पर जा रहे हैं अभी। तो गाइज, अभी हम यूनफ्रास्ट्रासे पे पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं हम स्टैचू की ओर। जो स्ट्रीट है ये बहुत ही सुंदर स्ट्रीट है, काफी पूरी टूरिस्ट बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। और रास्ते में हमें आता है ये एक पार्क, बहुत ही बढ़िया पार्क है। और इस स्ट्रीट का नाम यूनफ्रास्ट्रासे है इसलिए क्योंकि इस स्ट्रीट पे से व्यू आता है यूनफ्राउ माउंटेन का, जो कि है टॉप ऑफ द यूरोप। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं वो है यूनफ्राउ माउंटेन। इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, हम यहाँ पे गए थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये है ब्यूटीफुल यूनफ्रास्ट्रासे, और उसी के सामने है होटल विक्टोरिया। बहुत ही शानदार स्ट्रीट है यार, ये बहुत सुंदर है। गाइज, यूनफ्रास्ट्रासे पे घूमते घूमते सामने ही है यहाँ पे कैसीनो क्रुसाल, और वहाँ मुझे दिख रही है यश चोपड़ा की स्टैचू। तो गाइज, बहुत ही सुंदर सराउंडिंग बनाया है इन्होंने यहाँ पे ये, और ये कैसीनो क्रुसाल के सामने ही यहाँ पे यश चोपड़ा का स्टैचू लगाया हुआ है स्विस गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है, Numerous scenes of his world-renowned films were shot in the Bernese Oberland. These famous scenes prompted numerous guests from India to visit the region of Interlaken. Yes, तो यशराज को पूरा क्रेडिट देते हुए स्विस गवर्नमेंट ने इस ऑनर में ये स्टैचू लगाया है यहाँ पे। इसके वजह से बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट आते हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। गाइज, हम अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल ये पैराग्लाइडिंग का मेरे ख्याल से लैंडिंग एरिया है, तो बहुत सारे पैराग्लाइडर्स यहाँ पे लैंड कर रहे हैं हमारे सामने ही। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरलेकन के मेन स्टेशन पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं लॉटरबर्न। और लॉटरबर्न की ट्रेन देखिए इस तरह से है, ब्लू एंड येलो कलर। सो गाइज, 1:35 की हमने इंटरलेकन से ट्रेन पकड़ी थी लॉटरबर्न के लिए, और लॉटरब्रुनन से फिर हमने स्विच की ट्रेन, 2 बजे हम पहुंचे थे लॉटरब्रुनन, और 2 बजे हमने लॉटरब्रुनन से ट्रेन पकड़ी है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो ग्रीन येलो ट्रेन है। ये हमें ले आई है वेंगेन तक। तो वेंगेन तक का जो सफ़र है वो आपका जीए पास में इंक्लूडेड होता है, इसके ऊपर से फिर यूनफ्राउ का रीजन शुरू हो जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी स्नो माउंटेन्स में आ चुके हैं, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और बट एक बात मुझे बतानी थी कि लॉटरब्रुनन का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन में से, स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। और ये वेंगेन जो टाउन है, ये टाउन भी बहुत ही प्यारा है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करेंगे, यहाँ इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे,
और इसके बाद फिर वापस जाएंगे लॉटरब्रुनन। अभी हम पहुंच चुके हैं लॉटरब्रुनन, तो अभी हम लॉटरब्रुनन एक्सप्लोर करने वाले हैं। और लॉटरब्रुनन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रैम्बलबैक फॉल्स, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है, ऐसा यूनिक वाटरफॉल है आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो अभी हम वहां जाने वाले हैं, तो चलिए फिर आपको बताता हूँ कि वहां कैसे जाना है। तो वहां बेसिकली होता है 141 नंबर की बस जाती है स्टेशन के सामने से ही, तो ये हमारी बस है 141 और इससे हम जाएंगे ट्रैम्बलबैक फॉल्स। और गाइज इस बस में बैठे बैठे आप लॉटरब्रुनन विलेज को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इसके विंडोज़ भी देखिए बहुत बड़े हैं, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं इसमें से। और ये स्टॉप का जो रास्ता है वो 15 मिनट का है लगभग, तो तीसरा या चौथा स्टॉप है ट्रैम्बलबैक फॉल्स। और लॉटरब्रुनन को ना विलेज ऑफ वाटरफॉल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 72 वाटरफॉल्स है। तो इस पे हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चुके हैं ट्रैम्बलबैक फॉल्स पे, तो यहाँ पे ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटरफॉल है, इन्होंने पूरा ऐसा पहाड़ के अंदर से बनाया है रास्ता, और अंदर से हम वाटरफॉल को बहते हुए देख सकते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बता रहा था तो पहाड़ के अंदर इन्होंने ऐसी एक टनल लिफ्ट बनाई है जो हमें अंदर लेके जाती है। जाने के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, तो ये एडल्ट्स की 14 फ्रैंक्स की टिकट है पर पर्सन, और चाइल्ड की 6 फ्रैंक्स। तो हमने अभी ले लिया टिकट और यहाँ से हमें मिलेगी लिफ्ट जो हमें ऊपर लेके जाएगी। गाइस ये वो टनल लिफ्ट है। सो गाइज यहाँ पे ना आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा ये माउंटेन के अंदर से जो वाटरफॉल बह रहा है उसके साइड से ऐसे केव्स बनाए हैं, तो पूरा हम उसको अंदर से ऐसे बहते हुए देख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार लगने वाला है। और ये जो आप देख सकते हैं पानी, ये वाइट वाइट पानी इसलिए है क्योंकि ये ग्लेशियर से आया हुआ है, तो जो स्नो मेल्ट होता है उसका ये पानी है। आखिर हम बाहर आ गए इस व्यू के साथ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। माय गॉड मस्ट डू वाटरफॉल है ये तो। और ये जो है पूरा ग्लेशियर का पानी है, और यहाँ पे यूनफ्राउ रीजन में इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उन सब का जो स्नो मेल्ट होता है बेसिकली उसका वाटर यहाँ फ्लो होता है, और वो इतने फोर्स से आ रहा था नीचे कि बहुत ही आवाज़ कर रहा था, आपने देखा ही होगा, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो अभी हम जिस लिफ्ट से ऊपर आए थे टनल लिफ्ट से, उससे ही हम अब वापस जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ हम आज का दिन यहाँ पे अब हमारा एंड कर रहे हैं, हमारी इटिनरी पूरी यहाँ ख़त्म होती है। और ये पूरा वन डे का प्लान था ट्रिप का, तो हमने सुबह शुरू किया था ब्रीज लेक से, जिसमें हमने वहाँ पे क्रूज़ किया। उसके बाद हम इंटरलेकन गए, इंटरलेकन हमने घूमा, वहाँ पे यशराज का स्टैचू देखा, और उसके बाद में हम इंटरलेकन में थोड़ा टाइम स्पेंड करके आए लॉटरब्रुनन, और लॉटरब्रुनन से गए थे वेंगेन, और वेंगेन से फिर वापस लॉटरब्रुनन आके हमने ये ट्रैम्बलबैक फॉल्स किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा एग्जॉस्टिव आपको लग सकता है, बट ये आराम से हो जाता है, आपको चलना नहीं पड़ता है। और जो लास्ट वाला है एंड था ट्रैम्बलबैक फॉल्स, वो तो बहुत ही यूनिक एक्टिविटी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये पूरा दिन हमारा स्विस पास में इंक्लूडेड था एक्सेप्ट द ट्रैम्बलबैक फॉल्स, तो इसकी एक एक्स्ट्रा टिकट आपको लेनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ,
और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।